सब ठीक होंगे। तो आज है हमारे गांव में शादी, तो हम चले हैं शादी में, बोलते हैं धाम बोलने। तो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, तो जहाँ सब गांव में जो धाम बोलने ऐसे औरतें तैयार होके जाती हैं। साड़ी मुझे चिनिया ने गिफ्ट दी है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इसको लगाऊं। अब चली मैं शादी वालों के घर, हमारे ब्यालों के घर ना लड़के की शादी है, तो वहाँ पे चली थी मैं। आजकल लगातार दो शादियाँ हैं, तो मैंने सोचा चलो आप पहली वाली शादी में अभी साड़ी लगाती हूँ, दूसरे में देखती हूँ, क्योंकि ना हम साड़ी लगाने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो अब जा रहे हम शादी वाले के घर, तो वहाँ पे सब औरतें इकट्ठी होंगी और वहाँ से ही धाम बोलने के लिए जाएंगी। यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे सब आ गई थी, हम भी पहुँच गए। फिर उसके बाद ये है दूल्हे की बहन जो यहाँ पे दे रही है ठंडा वगैरह, क्योंकि कुछ खा के ही घर से बाहर निकलते हैं, तो मीठा खाना ज़रूरी होता घर से। फिर यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए, ये हमारा भद्रवाही कल्चर है, तो यहाँ पे हमें औरतें ही जाती हैं धाम बोलने। ऐसे कार्ड वगैरह भी दे देते हैं और भी जाते हैं, लेकिन औरतों का जो है ना यहाँ के रीति है कि यहाँ पे तैयार होकर अपने जो गांव में, तो औरतें जाएंगी। लेकिन ये रिवाज सब जगह पे नहीं है, यहाँ पे भी मेरे मायके में नहीं होता ऐसे, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा रीति रिवाज है। तो लेकिन बहुत ही अच्छा है, सब मिल के जाते हैं, हंसी खुशी से ये दिन बीतता है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल ना किसी के पास दे रही थी वीडियो बनाने के लिए, कोई भी मिलता था मैं बोल रही थी आप बनाओ, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो नहीं बना सकती थी, फिर मेरे से बनती भी नहीं अच्छी। फिर निकले हम बाहर, तो यहाँ पे कैमरे वाला आया था, वो वीडियो बना रहा था, मैंने किसी और के पास पकड़ा दिया अपना फ़ोन। मैंने कहा चलो अब सबका फ़ोटो इकट्ठे में आएगा। तो यहाँ पर ये सारा ग्रुप है जो दो तीन हिस्सों में बंट जाता है, और आधे इधर आधे दूसरी गांव में जाते हैं। तो यहाँ पे ही हम ये बोल रहे थे किसने कहाँ पे जाना है। अब आए हम मंदिर के पास, यहाँ पे पहले मत्था टेकते हैं और उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मंदिर के पास ही सब आते हैं, तो वहाँ से ही जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे श्रीवास की नाग जी के मंदिर मत्था टेकते हैं, और उसके बाद मतलब अपने कहीं काम जाना हो या जैसे शादी के फंक्शन धाम जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप पहले मंदिर के पास आते हो, फिर वहाँ से ही आगे सब जाते हैं। तो यहाँ पे ही फोटोग्राफर फ़ोटो भी ले रहा था, तो तभी हम सारे लाइन में खड़े हुए थे। फिर हम गए, मैंने कहा मुझे साड़ी लगी हुई है और हील लगी है, तो मैंने जाना है रोड के, तो फिर मैं सीधे सीधे रास्ते पर गई। कुछ है तो जो मतलब कच्चे रास्ते थे, तो जिन्होंने सूट लगाए थे वो उस साइड को भी चलते हैं मेरे फ्रेंड।